पांडव माना ही विजयी। बाबा सदा कहते थे पांडव जो है ना उनको विजय का तिलक मिला हुआ है। माना पांडव माना विजय उनों की होनी ही है। ऐसा कोई पांडव नहीं होगा जो अगर कोई संकल्प कर ले और वो सिद्ध ना कर सकता हो। तो बाबा कहते थे कि एक एक पांडव जो भी संकल्प करेगा ना वो पूरा बाप दादा करा दे। तो बाबा को इतना निश्चय पांडवों पर कि पांडव कुछ भी कर सकते हैं। बाबा तो कहते थे पांडव निर्बंध नहीं है, कोई बंधन पांडवों को बांध ही नहीं सकता है कभी। तो पांडवों को इतना बाबा ऊपर उठाता। और हमारी दादी तो पांडवों के पिछाड़े कुर्बान जाती थी कि ये पांडव ना बहुत बड़ा कार्य कर सकते, अगर ये सोचे ना तो सारे डिपार्टमेंट संभाल सकते और बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत भी न पड़े। तो दादी खास कहते थे सभी पांडव ट्रेनिंग लेकर आए हैं ऑलराउंडर बनने की। तो सभी पांडव सोचते थे कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए, हम तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेके आए। तो दादी की थी बाप दादा से ट्रेनिंग लेकर आए हो, क्योंकि बाप दादा के साथी हो और विजय का तिलक भी लेकर आए हो तो कहीं भी कोई भी कार्य में हाथ बढ़ाएंगे ना तो सफलता होगी। पांडवों को खास बाबा और दादी ऐसे उठाते। तो बाबा तो खुश होते पांडव सेना को देख कर। तो पांडव सेना को भी खुश होना चाहिए अपने को देख कर। कई बार पांडव कहते पांडव हम तो कभी दादा नहीं बनते, दादी तो बन जाती है, बहने तो दादी दीदी दोनों बन जाती है, हम तो नहीं बनते, हमको तो समर्पित नहीं कराते। तो बाबा ने कहा ये तो पांडव जा भी रहेंगे ना ये समर्पित ही है। इन्होंने एक संकल्प किया और सिद्ध करने पे निकल पड़ते, तो ये समर्पित बुद्धि है। तो पांडवों के साथ बाबा कहते थे समर्पित बुद्धि जो चाहे कर सकते। तो पांडव तो डबल सेवादारी होते थे, ऐसे लौकिक कार्य भी करते और साथ साथ अलौकिक भी करते, तो डबल सेवा करते। तो पांडव खुश हो कि हम पांडव हैं, खुश होते हो खुद को देख के खुश होते हो। कुमार पांडव है तो और देखो और क्या चाहिए, ये तो सोने पे सुहाग हो गया कुमार पांडव। कोई बंधन बांधने भी पाए तो बंधे ही ना, इतने आजाद हैं देखो। तो पांडव तो जो चाहे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, है इतना नशा है। मैं बाबा का पांडव हूँ, पंडा भी हूँ पांडव भी हूँ, है नशा है।